गाइस रोड आप देख सकते हो बहुत ख़राब है, छोटे छोटे से खड्डे हैं, पानी की वजह से ख़राब हो गई है। तो देखते हैं आसपास। तो भाई आप देख सकते हो ये है एक्सब्लेड का BS6 मॉडल, अभी देख सकते हो यहाँ पे, देखो क्या हमें चेंज देखने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो अगर सही लगे ना वीडियो को लाइक भी करना। जैसे कि आप देख सकते हो ये है BS6 मॉडल, तो कैटलेटिक कन्वर्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, साथ में ऑटो सेंसर भी ऐड हो गया है, तो ये है पहला चेंज। उसी के अलावा आप इसका लुक देख सकते हो, तो गाइस 160 सीसी की वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग ये बाइक है कम्यूटर सेगमेंट की। हाँ अभी पहला जो चेंज मुझे इसमें लग रहा है वो देखो, जो ये एक्सटेंडर है ना इंजन का, वो बॉडी कलर में हो गया, पहले ब्लैक हुआ करता था, तो ये चेंज हो गया। बाकी ग्राफिक वगैरह सही है यार, स्टिकर सही लग रहे हैं मुझे। फ्रंट प्रोफाइल आपको दिखाता हूँ एक बार। फ्रंट प्रोफाइल देखो, रोवो फेस हेडलैम्प मिलते हैं, देखो फुली LED सेटअप है, छोटा सा यहाँ पे ना ब्लैक कलर का विंडशील्ड भी मिलता है जो कि आपको हाईवे में उतनी प्रोटेक्शन नहीं देगा, बट देखने में सही लग रहा है। ये हेलोजन वाले बल्ब वाले इंडिकेटर आप देख सकते हो। इसमें आप देखो ना प्री इंस्टॉल्ड हैजार्ड लाइट भी मिलते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। एक्सट्रीम 160R में भी आपको प्री इंस्टॉल्ड हैजार्ड लाइट मिलते हैं, इसमें भी हैं, सबसे पहले इसी में थे आई गेस, क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाई थी BS4 में, उसमें भी थे। और ये देखो गाइस हेडलाइट तो भाई बिल्कुल ही कमाल की है, रोवो फेस बहुत ही शानदार है। और यार अभी जो LED हेडलाइट है ना बहुत ही शानदार लुक देती है, एक्सट्रीम में भी देखो बहुत सही लगती है। और इसमें तो यार पहली बार आई थी BS4 में, तब हमने देखा था भाई बहुत शानदार सी थी। और पूरा एक बार आप ये लुक देखो, मेरे हिसाब से भाई शानदार सा लुक है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको फ्रंट प्रोफाइल इसका देखने में कैसा लगता है। ये हमारे पास देखो ब्लू कलर है, मैट फिनिश में है, ग्लॉसी फिनिश में नहीं है, तो ये आप देख सकते हो। ये देखो फ्रंट वाले डिस्क, आपको इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है। अब गाइस इसमें डुअल डिस्क का भी ऑप्शन है, तो हमारे पास अभी ये सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है आप देख सकते हो। पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, साइलेंसर देखो यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलती है, थोड़ी सी डुअल पोर्ट साइलेंसर है, देखने में सही लगता है। साथ ही साथ में जो क्रोम है ना वो थोड़ा सा लुक को और इम्प्रूव करता है। इसकी सीट देखो, इसमें आपको सिंगल पीस टू सीटर सीट मिलती है, देख सकते हो काफ़ी बड़ी सीट है, वाइड सीट है, आराम से दो लोग बैठ सकते हो। साथ ही साथ में पिलियन के लिए ग्रैब रेल्स मिलते हैं जो कि देखो काफ़ी स्टाइलिश हैं, यहाँ पे आप देखो कितने सही से लग रहे हैं। सीट का जो स्पेस है ना यार भाई एक नंबर है, स्पेस की कमी आपको नहीं लगने वाली है, ठीक है। ये टैंक देखो, टैंक जो है ये मैट फिनिश के साथ है, लेकिन यहाँ पे देखो पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है जो कि थोड़ा सा ना सही लगती है। उसके अलावा यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश है। साइड से इसका प्रोफाइल चेक करो एक बार, ये देखो यहाँ पे ओपन चैन मिलता है जो कि आपको बार बार फ्रिक्वेंटली क्लीन कराना पड़ेगा क्योंकि ओपन है तो थोड़ा सा सर्विस ज़्यादा मांगता है। उसी के अलावा रियर टायर आप देखो 130 सेक्शन के टायर हैं, यहाँ पे आप देखो रियर टायर हगर दिया गया है जो कि आपको ना मड से प्रोटेक्ट करेगा आपकी बाइक को, आपको भी। उसी के अलावा व्हील्स देखो, व्हील्स ब्लैक कलर के हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे ना ब्लू और ये वाइट के स्टिकर्स दिए गए हैं जो कि यार सही लग रहे हैं। अभी गाइस आप बताओ आपको इसमें कौन सा कलर सही लगता है कमेंट बॉक्स में। पिंक में यहाँ पे देखो ये होंडा का ये 3D लोगो है, बहुत सही लगता है। एक्सब्लेड के स्टिकर्स देखो बहुत सही से लुक देते हैं, तो ओवरऑल जो स्टिकर्स हैं वो भी सही है। थोड़ी सी ना फिनिश यहाँ पे मुझे दिक्कत कर रही है, बट यार सही है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अभी इसमें फ्रंट में अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखो, ये है इसके सस्पेंशन, देख सकते हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टर ऐड किया गया है सस्पेंशन के लिए, ये मड प्रोटेक्शन के लिए यहाँ छोटा सा प्रोटेक्टर ऐड किया गया है, तो वो भी सही बात है। फ्रंट का अब ये टायर देखो 80x117 इंच के व्हील के साथ है, वाइट और ब्लू कलर के स्टिकर के साथ है जैसे कि आपको पीछे मिलता है। ये यहाँ पे इंजन के लिए देखो प्रोटेक्टर छोटा सा ऐड किया गया है, हालांकि ज़्यादा कोई खास नहीं है बट ठीक है यार। अब ये पीछे का प्रोफाइल देखो, देखने में आप बताओ कैसी लगती है। यहाँ पे देखो ये जो LED टेल लाइट है बहुत यूनिक सी है, ये देखो ब्रेक लाइट भी यहाँ पे जल गई। उसी के अलावा जो इंडिकेटर मैंने आपको बताया हेलोजन वाले बल्ब वाले ही हैं, तो ये थोड़ा सा ठीक है यार, क्या कर सकते हैं, प्राइस पॉइंट के हिसाब से यही आपको मिलने वाला है। हालांकि किसी किसी गाड़ी में आपको जैसे एक्सट्रीम में LED मिलते हैं, बट ठीक है हेलोजन भी ठीक है। टायर की वाइडनेस मैंने आपको बताई थी, 130 सेक्शन के टायर हैं विद टायर हगर जो कि सही है, प्रोटेक्शन आपको सही देने वाला है। उसी के अलावा इनकी जो क्वालिटी है प्लास्टिक की वो भी अच्छी है, देख सकते हो पिलियन वाला फुटपैक्स वो भी ठीक है, क्वालिटी सही है। उसी के अलावा जो ये फ्रेम है ना, फ्रेम देखो थोड़ा सा यूनिक है अभी, और ये देखो राइडर के लिए फुटपैक्स है, साथ में यहाँ पर गियर पैडल है। तो गाइज मेरे हिसाब से ना 160 सीसी की ये बेस्ट लुकिंग है अभी, आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको देखने में कैसी लगती है।
इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिखाता हूँ। तो ये देखो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, बेसिक सारे फीचर्स मिलते हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है, आरपीएम मीटर है, देखो इसमें क्लॉक भी है, मतलब सब कुछ आपको मिलता है जो कि मिलना चाहिए। फुली डिजिटल है, थोड़ा सा स्टाइलिश है, मतलब जो डिजिटल कंसोल है स्टाइलिश वे में यहाँ पे दिखाया गया है। उसी के अलावा एबीएस की लाइट है, यहाँ पे देखो न्यूट्रल की लाइट दिखा रहा है। उसी के अलावा ये देखो ये है इसकी ये चाबी, देख सकते हो होंडा की बैजिंग के साथ इसकी कीज आती हैं। हाँ, यहाँ पे देखो एक और एड ऑन है यहाँ पे कि अभी आपको इंजन किल स्विच मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले नहीं मिलता था, तो अभी इंजन किल स्विच मिलता है। बाकी स्विच की जो क्वालिटी है, फिनिश जो है वो भी सही लग रही है मुझे। और गाइज अभी मैं रीवा पे ये देख सकते हो, रीवा माँ होंडा, तो अगर आप रीवा या उसके आसपास के हो तो उनको विजिट करके इसकी डिटेल है जो भी है टेस्ट राइड वगैरह बुक करा सकते हो। अपने हिसाब से इसको आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। गाइस जल्दी ही मैं इसको NS160 और RTR160 और Xtreme 160 से कंपेयर भी करूँगा। और गाइस ये देखो ये पूरा इसका इंजन वाला पार्ट, इसमें आपको एयर कूलिंग मिलती है, 162 cc का इंजन है जो कि यार मैक्स पावर देता है अराउंड 13.8 PS की और मैक्स टॉर्क देता है 14 न्यूटन मीटर के आसपास की। पावर के टर्म्स में अगर बोलूं तो यार थोड़ा सा कम है अपने सेगमेंट में, अगर आप दूसरी 160 cc की बाइक को देखते हो तो थोड़ी सी पावर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। जैसे आप NS160 को देख लो, RTR160 को देख लो, Xtreme 160 को देख लो, उनकी पावर इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। 5 गियर ट्रांसमिशन है, 6 गियर आपको इस सेगमेंट में किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस ये है ऐसा कुछ मेरा फीडबैक। ब्रेकिंग की बात करूँ तो फ्रंट में देखो डिस्क ब्रेक है, ABS के साथ है, रियर वाला जो ब्रेक है वो है ड्रम में, डिस्क का भी हालांकि आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तभी मैं इसका आपको एक बार साउंड सुनाता हूँ। तो देखो ऐसा कुछ है, एग्जॉस्ट का साउंड रेव करने में स्मूथनेस में बिल्कुल फील हो रही है। डुअल पोर्ट साउंड है, देख सकते हो डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। साउंड आप एक बार यहाँ पे फील करो, थोड़ा रेव करना। चलो अभी इसको राइड करते हैं और देखते हैं कि भाई चलाने में कैसी है। गाइज रोड आप देख सकते हो बहुत ख़राब है, छोटे छोटे से खड्डे हैं, पानी की वजह से ख़राब हो गई है। तो देखते हैं आसपास कहीं अगर अच्छी रोड मिलती है तो वहाँ भी चलेंगे। तो पहले यहाँ पे अगर अपना फीडबैक दूँ तो यार अभी जो है ना राइडिंग पोस्चर पहले बात करें तो राइडिंग पोस्चर भी ठीक है, बैठने में कम्यूटर टाइप का है, सिटी में आप इजीली ट्रैफिक में आराम से राइड कर सकते हो और सीट भी कंफर्टेबल है और सस्पेंशन भी मुझे ठीक लग रहा है। जैसे कि अभी मैं खड्डे में चला रहा हूँ तो ठीक है, मतलब मैनेज हो सकता है, कंफर्ट आपको ठीक ठाक दे देंगे। तो ट्रैफिक में इजी टू हैंडल है क्योंकि वेट इसका जो है वेट कम है, वेट बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इंजन स्मूथनेस की गाइस बात करूँ तो इंजन रियली स्मूथ है इसका, आप देख सकते हो, और चलाने में जो है ना स्मूथनेस आपको फील होती है। आप रेव करते हो तो गाड़ी हालांकि अभी खुली नहीं है और गियर वगैरह भी अभी लाइट है, क्लच भी लाइट है। गाइस अभी थोड़ी सी अच्छी रोड मिली, थोड़ा इसको रेव करके देखते हैं। तो गाइस पिकअप यार थोड़ा लैग कर रहा है मुझे, और क्योंकि 13.8 PS की पावर है, आपको पता है सेगमेंट में पावर जो है सबसे कम है इसकी, तो हाँ पिकअप एक्चुअल में थोड़ा मुझे लैग कर रहा है। जैसे मैं रेव करता हूँ तो 45 या 50 से ऊपर जाने में दिक्कत कर रही है, आप देख सकते हो 50 भी नहीं टच कर पा रही है। हालांकि ये नहीं बोल रहा हूँ, टॉप स्पीड आराम से 100 टच कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा बट ईजिली हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है ना कि गाड़ी अभी जो है न्यू है तो खुली नहीं हुई है, मतलब इसका जो इंजन है वो अभी खुला नहीं है, जैसे ही सर्विस वगैरह होती है ना तो थोड़ा सा इसका पिकअप भी बढ़ जाता है। बट अभी मुझे थोड़ा सा पिकअप कम लग रहा है क्योंकि इसके पहले मैंने एक्सट्रीम को भी चलाया था, आपको याद हो उसका भी मैंने रिव्यू किया था। अभी बात करें ब्रेकिंग की तो ब्रेकिंग भी मुझे ठीक मिल रही है, हालांकि ये रियर ड्रम वाला वेरिएंट है, इसमें आपको रियर डिस्क वाला वेरिएंट भी मिलता है, सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिल ही जाता है। तो हाँ अगर आपको और इफिशियंट ब्रेकिंग चाहिए ना तो आप जो है डुअल डिस्क वाला वेरिएंट ले सकते हो। अभी अगर देखो माइलेज कितना मिलने वाला है आपको, तो देखो माइलेज तो ऐसा है कि आपके चलाने के ऊपर रहेगा, बट फिर भी आप आराम से 40 प्लस निकाल सकते हो सही से आप राइड करोगे। FI सिस्टम है जैसे किसमें तो आप 45 प्लस भी निकाल सकते हो, 50 तक भी आप निकाल सकते हो अगर आप बहुत ही इकोनॉमी मोड पे राइड करोगे तो। और टॉप स्पीड का अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता बट हाँ 110 के आसपास रहने वाली है, 105 से इजीली आप ऊपर चले जाओगे। तो गाइस ये मेरा फीडबैक ये है कि थोड़ा पावर वगैरह आपको कम हो सकता है बट हाँ ओवरऑल एक पैकेज अच्छा है क्योंकि कंप्यूटर सेगमेंट में है, थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के साथ है, देखने में अच्छी लगती है, तो हाँ इन चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हो, थोड़ी सी पावर अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो। बट हाँ वैसे भी सिटी में आपको 12 PS से भी ऊपर पावर मोर देन सफिशियंट होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं कैसे पावर यूज़ करूँगा, अगर मान लो मैं लॉन्ग राइड भी करता हूँ थोड़ा बहुत 150 किलोमीटर की राइड तो वहाँ भी इतना ठीक है चल जाएगा। तो आप बाकी एक बार टेस्ट राइड ले लेना अगर आप इसको खरीदना चाह रहे हो तो। सबसे लास्ट में बात करें प्राइसिंग की तो इसकी जो प्राइस है ना 107,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली से लेकर के, इसका जो डुअल डिस्क वाला वेरियंट है वो 111,000 जाता है एक्स शोरूम दिल्ली।
तो प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट जितनी भी 160 सीसी की बाइक्स हैं उनके आसपास ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। अगर आप जैसे एक्सट्रीम से चेक करो या एनएस से चेक करो या अपाचे से चेक करो तो 1,000-2,000-5,000 रुपये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट ठीक है, मतलब सेम ही बोल सकता हूँ मैं इसको क्योंकि इतना मैटर नहीं करता। तो गाइज़ ये मेरा फाइनल रिव्यू, आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपको देखने में कैसी लग रही है गाड़ी, जो भी आपका फीडबैक हो बता दो कमेंट बॉक्स में। वीडियो सही लगा तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू सून।